मैं आज इसीलिए यहाँ कहना चाहती हूँ कि यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाईकोर्ट और बहुत सारे जजेस सुप्रीम कोर्ट के, हाईकोर्ट के एडवोकेट्स, लॉयर्स, बहुत सारे विद्वान व्यक्ति यहाँ बैठे हैं। बहुत सारे केसेस हाईकोर्ट में फाइनल होता है, बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में वर्डिक्ट लेके जाते हैं। जो केस जिनके फेवर में है, जो पॉजिटिव है, वो नाचते हैं, गाते हैं, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, चलिए दे दे, लेकिन अंधे रहते हैं, इसीलिए वो खुश होते हैं। लेकिन उनका खुशी कुछ दिन में ही वो गायब हो जाता है, क्योंकि जिसके लिए वो खुश होते थे वो उनको मिलता है, जिसके लिए इतने दिनों से समय रुपया बर्बाद किए, इतने रात नहीं सोए इंतजार में, वो आज मिला, इसलिए वो खुशी है। लेकिन कुछ दिन के बाद जो वो खुशी अक्सर खुश में कन्वर्ट नहीं होता तो वो फिर दुखी हो जाते हैं। मैं एक छोटी सी गांव में हूँ से आई हूँ, वहाँ एक छोटी सी मेंबर में थी फैमिली काउंसिलिंग सेंटर के। हम क्या करते थे, कुछ केसेस फाइनल होने के बाद हम रिविजिट करते थे। वो जो केस हम फाइनल किए एक्चुअली वो ठीक ठाक है कि नहीं, वो फैमिली वो कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, ठीक ठाक है, मुझे पता नहीं। ये जो प्रोविजन है कि नहीं, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, अपने वर्डिक लेके आते हैं, मैडम मैंने तो केस तो जीत किया लेकिन मुझे जो मिलना चाहिए, जो जस्टिस मिलना चाहिए मुझे नहीं मिल रहा है, मुझे पता नहीं उसका कुछ रास्ता है कि नहीं। मैं अभी जनरल साहब से, चीफ जस्टिस से मैं बातें करती थी, उन्होंने बोले हाँ ऐसे केसेस हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं, उन्होंने बोले कॉन्टेम्प्ट केस कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं। कॉन्टेम्प्ट केस करने के बाद फिर शुरू से मुझे फिर वही दोहराना पड़ेगा, वही मुझे से फिर 20 साल जाना पड़ेगा, फिर 7 साल मुझे इंतजार करना पड़ेगा, फिर मुझे 10 साल इंतजार करना पड़ेगा, मुझे पता नहीं उसका कुछ रास्ता है कि नहीं। आप सब जजेस बैठे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठे, चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट बैठे, मुझे पता नहीं उसका रास्ता है कि नहीं। सरकार के गवर्नमेंट के एक लॉ मिनिस्टर बैठे हैं, उसका रास्ता मुझे लगता है, क्योंकि मैं एकदम निचले लोगों से रिलेट करती हूँ, मिलती हूँ, मुझे लगता है उनको सही महीने में जस्टिस मिलना चाहिए। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आपका है, मुझे लगता है इसका रास्ता जरूर होगा। नियम हम बनाते हैं, नहीं है तो बनाना चाहिए था, उनको तो न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास, मैं भेजूंगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मेरे पास तो पहुंच नहीं पाते हैं। अभी पहले तो पहुंच पाते थे लेकिन मैं भेज देती थी, वो कहाँ गायब हो जाता था मुझे पता नहीं। लेकिन अभी मेरे पास जो है मैं जो जरूर आपके पास भेजूँ, मुझे लगता है उनको एक्चुअल खुशी मिलना चाहिए, एक्चुअल न्याय मिलना चाहिए, जाए तो कहाँ जाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के बाद और कोई तो कोर्ट शायद नहीं है। इसी के साथ माय बेस्ट विशेस विल बी विथ यू इन ऑल योर इंडिया। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।